मंगलवार की देर शाम छावनी थाना क्षेत्र के श्याम नगर कैंप 2 में आपसी रंजिश की वजह से चार युवकों ने मिलकर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। छावनी पुलिस हत्या की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपियों में से 2 युवकों को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करनी प्रारंभ। छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्याम नगर कैंप 2 में पुरानी रंजिश के कारण चार युवकों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से एक युवक राकेश यादव की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। मृतक हाल ही में जेल से छूटकर आया हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही छावनी थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी बीनू साहू और मृतक राकेश यादव के बीच काफी वक्त से पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसके बदले के फलस्वरूप राकेश यादव की निर्ममता से हत्या कर दी गई। घटना के बाद से फरार आरोपियों की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है, साथ ही शीघ्र गिरफ्तार करने की बातें कही हैं। इस पूरे मामले की जानकारी छावनी CSP कौशलेन देव पटेल ने दी। ये मामला एक्चुअली आपसी रंजिश का है, जिसमें राकेश यादव जो मृतक है, एक्चुअली साल डेढ़ साल पहले इसके द्वारा जो आरोपी पक्ष है उसमें से बीनू साहू के ऊपर एक प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें इसको 307 का आरोपी बना हुआ था। और राकेश यादव के छूटने के पश्चात रंजिश वसी बीनू साहू और उसके परिवार के 3-4 सदस्यों के द्वारा उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया और उसकी मृत्यु पारित हुई है, जिसमें हमारे द्वारा 36/22 अपराध क्रमांक के तहत 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी वर्तमान में 2 आरोपी गिरफ्तार। गौरतलब है कि मृतक राकेश यादव ने मुख्य आरोपी बीनू साहू के ऊपर लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने राकेश यादव पर धारा 307 का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। बदला लेने की ताक में रहे बीनू साहू और उसके साथियों ने अंततः राकेश को मौत के घाट उतार दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।